हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर जो थर्ड है, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और किस तरह से वो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके उसको मिनिमाइज़ कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट देखो इंडिविजुअल पे क्या है, फैमिली पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि जब व्यक्ति जो है स्ट्रेस में होता है तो उसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि द पर्सन इज़ अंडर स्ट्रेस। देखो जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, यहाँ पे पता चलता है कि पर्सन जो है डैट इज़, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वहाँ पे उसको स्ट्रेस भी होएगा, एन्जाइटी भी होगी, और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। देखो जब पर्सन को स्ट्रेस होता है उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही अब नॉर्मल हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, और वो ज़्यादा अल्कोहल का या स्मोकिंग का, उसको नींद नहीं आती, और उसका जो फिज़िकली है उसमें भी फिज़िकल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी सांस फूलता है, उसका हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मसल जो है कई बार क्या होता है कि टेंस मसल होते हैं, और एन्जाइटी के अंदर वो छोटी छोटी चीज़ में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, नर्वसनेस हो जाता है, और डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि देखो वहाँ पे वो बहुत ही जो है निराशावादी हो जाता है, उसको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी वर्थ ज़ीरो है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, और वो जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कई बार उसको लगता है कि मैं सुसाइड कमिट करूँ। तो इस तरह के जो है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो उसकी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं। देखो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि जॉब के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, जॉब के साथ वो डिससेटिस्फाई फील करता है, जॉब की जो कंडीशंस हैं उनके साथ उसको लगता है कि अच्छी नहीं है, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ पर लड़ने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जॉब परफॉर्मेंस जो है लो हो जाता है। अब देखो बिहेवियरल सिम्टम जो होते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि बंदे का जो अपना पहले जिस तरह से वो बिहेव करता था उस तरह से वो बिहेव नहीं करता। देखो कई बार या तो वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है या बहुत कम खाने लग जाता है, और कई बार वो क्या होता है कि देखो अगर वो टीटोटलियन है, अगर वो नशे नहीं लेता तो कई बार वो स्मोकिंग करने लग जाता है या अल्कोहल का यूज़ करने लग जाता है, या कई बार ऐसे भी होता है कि चाय की क्वांटिटी, अगर वो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं चाय कॉफ़ी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, और कई बार क्या होता है कि जो भी ऑफिस के अंदर या ह्यूमरस बात होती है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका बिहेवियर बहुत टेंस एंड ऑड हो जाता है, वो हर वक्त टेंशन में रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टियाँ भी बहुत मारता है, और कई बार वो ऑर्गेनाइजेशन को क्विट भी कर जाता है। और उसी तरह देखो जब इंडिविजुअल जो है स्ट्रेस में होता है तो फैमिली के अंदर भी जो उसके अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। कई बार ऐसे होता है कि देखो दोनों ही जो सेट ऑफ स्पाउस होते हैं, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, तो जॉब का स्ट्रेस जो है उनकी फैमिली लाइफ के अंदर भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि नेचुरली देखो काम का भी प्रेशर होता है, फैमिली का भी प्रेशर होता है, तो वो लगता है कि कहीं पे भी वो हैंडल नहीं कर रहे। और उसी तरह देखो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होता है कि जॉब के अंदर उनका इंटरेस्ट जो है डिससेटिस्फेक्शन में क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी लेवल लो हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जॉब से एब्सेंट रहने लग जाते हैं, कई बार जॉब को क्विट भी कर जाते हैं, और कस्टमर के साथ भी जो उसकी डीलिंग होती है बड़ी इरिटेबल होती है, एग्रेसिव होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से भी हाथ धो बैठती है, क्योंकि कस्टमर के साथ डीलिंग जो होती है, इवन जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ भी डीलिंग सही नहीं होती, एग्रेसिवनेस होती है, कस्टमर को प्रॉपरली अटेंड नहीं किया जाता है, इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है। और उसी तरह इंक्रीज इन डिफरेंस टू जॉब का होता है कि जॉब से वो बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लेते हैं कि इस जॉब से हमने कोई लेना देना नहीं है, और उनका बिहेवियर जो होता है बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी बात पे वो सबके साथ लड़ने मरने की बातें करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव एंड अग्रेसिव बिहेवियर जो है हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है
वो क्या कॉपिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे। कॉपिंग का मतलब होता है कि किस तरह से अपने स्ट्रेस को हैंडल करें। देखो, पहले तो ये है कि हमें स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि वी आर अंडर स्ट्रेस। अगर हमें पता ही नहीं है वी आर अंडर स्ट्रेस, तो हम उस स्ट्रेस को हैंडल कैसे करेंगे। इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि आई एम अंडर स्ट्रेस। वो आइडेंटिफाई करे व्हाट आर द रीज़न, व्हाट आर द सोर्सेज जिनकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। अगर देखो उसको लग रहा है कि जॉब और वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को हैंडल नहीं कर रहा, तो वो आइडेंटिफाई करे, प्लान आउट करे, टाइम को मैनेज करे। और उसी तरह फिजियोलॉजिकल फिटनेस के अंदर क्या है कि उसको कोई एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए या स्विमिंग करनी चाहिए या स्पोर्ट्स के अंदर उसको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ताकि उसका जो है स्ट्रेस का लेवल जो है कम हो। उसी तरह कई बार देखो क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं टाइम को मैनेज नहीं करते, लास्ट मिनट में काम करते हैं या आइडेंटिफाई नहीं करते कि हमने कौन सा काम पहले करना है या कौन सा काम बाद में करना है। तो अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि अगर हम टाइम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, हर चीज़ को हम देखते हैं कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। और असर्टिवनेस का मतलब होता है कि देखो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबमिसिव सॉर्ट ऑफ होते हैं, कि जब उनको किसी चीज़ के लिए कहा जाता है तो वो नो नहीं कह पाते, वो हाँ कह देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि वो कहना ना चाहते हैं बट कह हाँ देते हैं। तो स्ट्रांगली अगर आपने किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो स्ट्रांगली नो कही। और उसी तरह सोशल नेटवर्किंग क्रिएट कीजिए जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे लोग जो है फ्रेंड सर्कल बने, ताकि स्ट्रेस के वक्त जो है आप जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है उसकी आप हेल्प ले सको। और उसी तरह अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको देखो, कौन से गोल्स की वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको रीएडजस्ट करो। कई बार क्या होता है कि गोल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, तो जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उसके मुताबिक अपने गोल जो है रीएडजस्ट करो। और उसी तरह रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि जैसे लोग कहते हैं योगा करो, डीप ब्रीदिंग करो, म्यूज़िक सुनो, इवन आर्ट ऑफ लिविंग के भी कई कोर्सेज होते हैं, तो रिलैक्सेशन टेक्निक जो है अडॉप्ट करके जो है अपने स्ट्रेस को वो काफ़ी कम कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो लोग अनप्लान्ड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अगर हम हर काम को प्लान आउट करते हैं तो नेचुरली उस काम के लिए शेड्यूलिंग करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, तो वो काम बेटर वे से हो सकता है। और उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है कि जॉब रिलेटेड स्ट्रेस ना हो, तो उसके लिए उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं। देखो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के अंदर जो है उनको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी जॉब जो है ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, कौन सी जॉब जो है कम स्ट्रेसफुल है, तो उसी के बेसिस पे वो नेचुरली जो स्ट्रेसफुल जॉब है तो वहाँ पे उन्हीं, जैसे ये पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रेस के अंदर होती है तो वहाँ पे ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी सूट नहीं करती। तो उसी तरह गोल सेटिंग के अंदर भी क्या है कि देखो चैलेंजिंग होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो है स्ट्रेस ना आए। उसी तरह ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन के साथ भी क्या होता है कि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को क्लैरिटी होती है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एम्प्लॉय को ग्रीवेंस होती है उसको कैसे हैंडल करना है। और उसी तरह जो जॉब है उनकी रीडिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ज़्यादा चैलेंजिंग काम मिले, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि स्ट्रेस जो है कम हो जाता है। और उसी तरह जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जब हम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं तो उनको लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस है, वो गोल सेटिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो कोहेसिव टीम वर्क्स हैं उनको कि वहाँ पे बेसिकली इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहाँ पे लोगों की इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोग कोहेसिव हों, लोग सपोर्टिव हों, तो जिसकी वजह से क्या है कि हेल्दी इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो। और उसी तरह क्या है कि देखो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कॉपिंग स्ट्रेटजी रोल रिलेटेड के साथ है, देखो रोल रिलेटेड के अंदर यह है कि रोल की क्लैरिटी होनी चाहिए, जितना लोगों को एक्सपेक्ट होगा कि हमसे ये एक्सपेक्टेशन है, उनको एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम एक पर्सन से बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्ट करते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसी तरह स्ट्रेस के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ पर हम रोल श्रिंकेज की बात कर सकते हैं कि जैसे एक ही बंदे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए,
चाहिए, उसका रोल जो है जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हाईलाइट कर देना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन से लगता है कि इसके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा उसको हटा देना चाहिए। और उसी तरह रोल एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, रोल की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए किस जॉब के अंदर मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वहाँ पर जॉब की जब हम स्पेसिफिक जो है उसको क्लैरिटी देते हैं तो वहाँ पर नेचुरली वो अपने काम को सही ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि रीडिफाइनिंग द रोल, कि जो पर्सन है उसका रोल ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, फंक्शनल अप्रोच होनी चाहिए, कौन सी जॉब जो है जो उसने परफॉर्म करनी है, कौन सी जॉब जो है वह दूसरे को डेलीगेट कर सकता है। और उसी तरह कई बार क्या होता है कि बंदे का जो कई बार रोल जो है सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, जिसकी वजह से अंडर स्ट्रेस में चला जाता है। तो यहाँ पे भी ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, देखो उसको स्ट्रेस होता है कि मेरे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है किसी और को दे दिए गए हैं, तो उसके अंदर भी क्या है कि स्ट्रक्चरल क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसको बताया जाना चाहिए कि किसकी वजह से क्या है कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं। और उसी तरह क्या है कि रोल एनहांसमेंट के अंदर क्या है कि जब बंदे को लगता है मेरी इंपॉर्टेंस कम हो रही है तो उसका रोल जो है रोल के अंदर जो है चैलेंजिंग कर देना चाहिए ताकि वो सही ढंग से काम कर सकें। और उसी तरह कई बार क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को लगता है कि मैंने एफिशिएंटली काम परफॉर्म करना है, वो इंट्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिविजुअल जो है अपने गोल के प्रति कन्फाइन हो जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि रोल रीबाउंड्रीज। तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो है अपना रोल इफेक्टिवली करता है नेचुरली, बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी होती है शॉर्ट पीरियड में इसके बेनिफिट होते हैं, बट ये डिसफंक्शनल होती है क्योंकि इंडिविजुअल जो है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क में काम होता है, तो उसी तरह से क्या है कि रोल जो है नेगोशिएशन होना चाहिए, लोगों के साथ उसकी इंट्रैक्शन बढ़े, लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे, वो अपने में कन्फाइंड नहीं होना चाहिए क्योंकि हर बंदे का जो काम होता है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। इस तरह की स्ट्रेटजी बना के जो है ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेस फ्री जो है